Assalamu alaikum. Welcome to our channel iTechView. This channel is powered by iTechView.com web. मैं हूं आपका होस्ट इमरान और मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक और ट्यूटोरियल। ये ट्यूटोरियल हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के रिलेटेड दूसरा लेक्चर है, तो आइए बढ़ते हैं इसकी जानब। सबसे पहले वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन करें। वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन होने के बाद ब्लैंक डॉक्यूमेंट लें और सबसे पहले कुछ भी टाइप करें। अब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के होम टैब में सबसे पहले फॉन्ट की बात करते हैं। ये रहा हमारा होम टैब और ये रहे हमारे फॉन्ट्स। तो फॉन्ट हम क्या क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम अपने जो हमने टेक्स्ट टाइप किया इसको सिलेक्ट करेंगे। मैं इसे कंट्रोल ए से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, स्टार्ट पे माउस की क्लिक करके भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो ये है हमारा फॉन्ट स्टाइल, यानी कि हमारा जो टेक्स्ट है ये किस तरह का मेंशन हो। तो यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा फॉन्ट का साइज़, ये फॉन्ट का साइज़ कितना हो ये भी आप देख सकते हैं। उसके बाद फॉन्ट को बोल्ड करना चाहते हैं तो पी पर क्लिक कर दें, अगर इटैलिक करना चाहते हैं तो आई पर क्लिक कर दें, अगर अंडरलाइन करना चाहते हैं तो अंडरलाइन पर क्लिक कर दें। ये अंडरलाइन में आपको मज़ीद अंडरलाइन के स्टाइल भी मिल जाएंगे, डबल अंडरलाइन, डिफरेंट टाइप की, जो जैसी भी आप अंडरलाइन लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। इसके अलावा इधर से आप अंडरलाइन का मर्जी का कलर भी दे सकते हैं। ठीक हो गया। अगर आप अंडरलाइन नहीं लगाना चाहते तो उसे ख़त्म कर दें। मैं अब ये सारी प्रॉपर्टी ख़त्म कर रहा हूँ। अगर हम टेक्स्ट के दरमियान में लाइन लगाना चाहते हैं तो ये स्ट्राइक थ्रू को इस्तेमाल करें। अक्सर आपने वेब पर देखा हो जब उन्होंने कोई न्यू प्राइस किसी चीज़ की लगानी होती है तो वो ओल्ड प्राइस पे स्ट्राइक थ्रू इस्तेमाल कर देते हैं, न्यू प्राइस लगा देते हैं। ये है ये था इस्तेमाल हमारा स्ट्राइक थ्रू। ये हमारा फॉन्ट साइज़ इंक्रीज करेगा, आप देख सकते हैं ये हमारा फॉन्ट साइज़ डिक्रीज करेगा। ठीक हो गया। यहाँ से आप डिफरेंट किस्म के केस सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि सेंटेंस केस, यानी कि पहला हरफ बड़ा हो और बाकी सब छोटे हों, लोअर केस यानी कि सभी हरफ छोटे हों, अपर केस यानी कि सभी हरफ बड़े हों, कैपिटलाइज ईच वर्ड यानी कि हर जो लफ्ज़ है हमारा उसका पहला हरफ बड़ा है और बाकी छोटे हों, टूगल केस यानी कि हर वर्ड का जो है ना पहला हरफ वो छोटा हो बाकी बड़े। ठीक हो गया। ये तो हमारा सेंटेंस केस सकते हैं। यहाँ से हम इसका कलर अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से हम इसका बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर सकते हैं। इन्हें एक ही क्लिक में ख़त्म करना चाहते हैं तो ये हम क्लियर फॉर्मेटिंग का टूल इस्तेमाल करेंगे। ये सब कुछ क्लियर कर देगा लेकिन हाईलाइट ख़त्म नहीं होगा, तो हाईलाइट ख़त्म करने के लिए आपको यहाँ से जा खुद हाईलाइट ख़त्म करना पड़ेगा। अपने बनाए यहाँ से स्टाइल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी अपनी मर्ज़ी का यहाँ आपसे आप अपना स्टाइल पिक कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट मज़ीद सेटिंग भी पड़ी हुई है, यानी कि आउटलाइन कैसी हो, इसका शेडो आए या ना, उसके अलावा इसमें वो ग्लो भी पड़ा है, जुनूनी तौर पे वो कलर सब मेंशन करवा देगा, यानी कि डिफरेंट सेटिंग यहाँ से आप कर सकते हैं। टेक्स्ट सबस्क्रिप्ट और सुपर सबस्क्रिप्ट का इस्तेमाल। सबस्क्रिप्ट हमारे जैसे केमिस्ट्री में फार्मूले होते हैं तो वो लिखने के लिए इस्तेमाल होते हैं, सुपर सब्सक्रिप्ट हमारे मैथमेटिकली फार्मूले लिखने के लिए। तो आइए देखते हैं, ये हमारा केमिस्ट्री का मैं फार्मूला राइट करने जा रहा हूँ। H यहाँ पर क्लिक करके 2 अनक्लिक करके हो, ये रहा हमारा सब्सक्रिप्ट। अब हम सुपर सब्सक्रिप्ट टाइप करते हैं, जैसे कि ए ऊपर सब्सक्रिप्ट स्केयर हो गया, ऊपर सब्सक्रिप्ट को ऑफ करें, प्लस बी ऊपर सब्सक्रिप्ट को ऑन करें और 2। ये हमारा था तरीकाकार सुपर सब्सक्रिप्ट को इस्तेमाल करें। तो आज के इस लेक्चर में हमने सिर्फ होम टैब के फॉन्ट ब्लॉक को पढ़ा है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया होगा। हमारे मज़ीद लेक्चर देखते रहिए और वर्ड को सीखते रहिए।
अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल iTech View सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी रेगुलर अपडेट मिलती रहे। ऑल्सो लाइक एंड कॉमेंट ऑन ट्यूटोरियल, लाइक एंड शेयर आवर फेसबुक पेज iTech View। फॉर मोर बेनिफिट्स विजिट आवर ऑफिशियल साइट www.itechview.com। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगेबान।